अभी देखिए आराम से बाहर निकल रहे, एक 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 करके सारे कबूतर उड़ जाएंगे। सारे कबूतर देखिए अब ये नीचे उतरेंगे और ये इनकी जगह पे नीचे उतर गए। अभी दोस्तों हो रहा है शाम का वक्त और अभी मैं हमारे फार्म हाउस पे, तो अभी देखते हैं कि हमारे सारे कबूतर आराम से घूम रहे हैं। और दोस्तों एक टेंशन और ये हो चुकी है कि भाई हमारे जितने भी कबूतर है सबके सिर्फ एक ही जोड़ है दोस्तों, जो मैं बाद में लेके आया था सिर्फ वही जोड़ है, बाकी ये जो दोनों पेटी के अंदर बैठे हैं ये दोनों दो डले के ऊपर बैठे हैं और दो उधर। मतलब दोस्तों हमारे पास 5 से 6 नर सिंगल हो चुके हैं और सारे नर सिंगल है और अभी इनको सबको बाहर निकालते हैं। और इनके लिए दोस्तों आज मैं लेके आऊंगा सबके लिए मादी, मतलब 3 से 4 दोस्तों मादी लेके आएंगे और पूरा मतलब जोड़ कंप्लीट कर देंगे इनके। और अब भाई गारंटी लेके आएंगे उनसे कि अगर ये मादी नहीं निकली तो दोबारा से रिटर्न कर देंगे। और अभी आज सुबह डर के ऊपर उड़े थे और पता नहीं यार आज सुबह से वापस नीचे आए कि नहीं आए। और अभी देख रहा हूँ एक बच्चा बार बार चिल्ला रहा था, पहले उसको देखा था कि वो क्या है, उसको कुछ दिक्कत आ रही है कि हमारा ये वाला बच्चा भाई सिंगल दे चुका है और पता नहीं सारी मुर्गियाँ और इसकी जो माँ थी वो कहाँ गई है, कुछ दिख नहीं रहा है। तो अभी ये आराम से घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोस्तों ये अगर ऐसा अकेले सिंगल घूमेगा तो जल्दी बड़ा हो जाएगा और जल्दी पक्का हो जाएगा घर का। और देखिए अभी कितना मस्त है दोस्तों, वाइट में पट्ठा बन रहा है, ये शायद मुर्गा बनेगा ऐसा लगता है। ये देखिए इसका शरीर देखिए एक बार, मतलब दोस्तों 100% मुर्गा ही बनेगा क्योंकि, पर मुझे एक वाइट में मुर्गी चाहिए थी दोस्तों, दो हमारे वाइट चूजे मर गए, पता नहीं वो मुर्गी थे या मुर्गे, लेकिन ये वाला तो जो मुर्गा है। और अभी देखिए मुझे देख के चुप हो गया है, तो अभी चलते हैं अंदर और हमारे सारे कबूतर को बाहर उड़ाते हैं एक बार। तो आया हूँ फार्म हाउस के अंदर, अभी देखिए जितने भी सारे नर और कबूतर इन सबको बाहर निकालते हैं और एक बार अभी चेक करेंगे हमारे कबूतर का बच्चा है वो आराम से भाई बैठा भी है कि नहीं। उसको दोस्तों आज हैंड फीड पे उठाना ही पड़ेगा क्योंकि उसको माँ बाप ने पूरी तरीके से छोड़ दिया है। देखिए ये कबूतर गया और इस वाले को भी भाई पकड़ के इधर बाहर कर देते हैं। देखिए सारे कबूतर को पता नहीं यार ये जगह क्यों पसंद आ गई, ये आराम से इसके ऊपर लकड़ी के ऊपर बैठे हैं, लेकिन अभी इनको यहाँ पे नहीं बैठने देना भाई, इनको बाहर भगाएंगे ताकि आराम से बाहर घूमे और बाहर के पक्के हो। पिरी 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 पिरी। तो दोस्तों आज मैंने हमारे जितने भी कबूतर थे सबके पंख छोड़ दिए हैं और देखिए सारे कबूतर आराम से भाई यहाँ पे घूम रहे हैं, लेकिन मुझे इनको क्या करना है बाहर भगाना है। अभी दोस्तों इनको बाहर धीरे धीरे भगाते हैं, ये खुद से बाहर चले जाएंगे। देखिए ये गया भाई दूसरा भी, ये दोस्तों ये वाला जो है वाइट वाली इसको हम मादी समझते हैं, लेकिन ये भी नर निकल गया। और ये बैठा वो भी नर है, और दोस्तों वो भी नर है, और ये भी नर है, और ये वाला भी नर है, और ये वाला भी नर है। मतलब दोस्तों हमारे पास 5 नर सिंगल हो चुके हैं और इस वाले पट्ठे का कुछ कह नहीं सकते कि ये भी नर है, मतलब सारे नर हो जाएंगे। तो अभी देखिए वो भी गया, ये भी गया, और ये भाई साहब ये भी गया, सिर्फ अब सिंगल अब ये वाला नर बचा है और एक नर वो बैठा है भाई, ये सब चले जाएंगे। और देखिए सभी गुटकने लग जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ये मादी बैठी है भाई जो चॉकलेटी में, शायद वो मादी इसको भी उड़ाते हैं। अब दोस्तों सारे कबूतर यहाँ बैठ गए और अब इनको इस वाले दरवाजे लगाते हैं, इस वाले छेद से बाहर निकलूंगा, क्योंकि दोस्तों अगर एक बार छेद से निकल गए तो भाई आराम से घुमा करेंगे और कुछ भी भाई समस्या नहीं आएगी। अभी देखिए आराम से बाहर निकल रहे, एक 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 करके सारे कबूतर उड़ जाएंगे। सारे कबूतर देखे अब ये नीचे उतरेंगे और ये इनकी जगह पे नीचे उतर गए। और देखिए दोस्तों वहाँ कोयल बैठी हुई है, ये उड़ के चली गई भाग गई। और ये वाला बच्चा देखो अब इसको इसके साथ माँ दिख गई होगी, ये और वो रही दोस्तों हमारी मुर्गी वो रही वहाँ पर। आराम से देखिए सारे कबूतर भाई नीचे उतर गए, अब इनको दाना पानी डालते हैं और यहाँ पर दाना पानी खाएंगे और कहीं भागेंगे भी नहीं। अभी दोस्तों बारी है हमारे सारे पिजन्स को दाना डालने की और इनको दाना डाल के इस वाली प्लेट के अंदर पानी भर के पानी रख देंगे। तो अभी चलिए देखते हैं इनको दाना पानी डालते हैं। और देखिए आराम से वहाँ घूम रहे हैं। ओ भाई साहब मुर्गी ने सभी को उड़ा दिया, देखिए सारे कबूतर हमारे किस तरीके से उड़ रहे हैं। ओ भाई ये कबूतर उड़ के कहीं चले नहीं जाए, सारे कबूतर भाई आराम से उड़ रहे हैं और उड़ के ये भाई इधर अब आसपास कहीं नीचे उतरेंगे। अभी बारी है हमारे सारे कबूतरों को पानी डालने की। दोस्तों कबूतर तोड़ गए हैं लेकिन वो वापस नीचे आएंगे मुझे ऐसा लगता है। और ये सिंगल पट्ठा यहाँ बैठा हुआ है, ये देखिए मुर्गी यहाँ पे दाना पानी खा रही है। ये देखिए जैसे पानी डालूंगा। अभी दोस्तों बारी हमारे पिजन बेबी की, उसको देखते हैं कि उसके माँ बाप ने दाना पानी खिला भी रहे हैं कि नहीं। और अभी उसके बाद देखते हैं कि हमारी कड़कनाथ की मुर्गी ने आज अंडा दिया है, क्योंकि आज अंडा देने के लिए बैठी थी वो। तो फटाफट से देखिए चेक करते हैं। और दोस्तों ये जो कबूतर की पेटी मैंने उल्टी लगाई थी इसको वापस से सीधी कर देंगे, क्योंकि अब हम बहुत सारी जोड़ लेकर आ रहे हैं भाई, तो इन सभी के लिए रहने के लिए जगह होनी चाहिए वरना हमारे कबूतर उड़ के भाग भी सकते हैं। देख दोस्तों एक बार आप चेक करें हमारे कबूतर का बच्चा कितना मस्त दोस्तों ग्रोथ कर रहा है, कबूतर के बच्चे की दोस्तों ग्रोथ अच्छी हो रही है, इसको भाई किसी की नज़र नहीं लगी। और देखिए इसके आराम से पंख भी आ रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ से भी इसके पंख आ रहे हैं। बस इसको भाई अब इसके माँ बाप ने थोड़ी फीड कम कराना कर दिया था, तो इसको आराम से वो फीड भी अच्छी तरीके से कराएंगे तो दोस्तों आराम से ये भाई बच्चा थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन अब इसके माँ बाप फीड नहीं करा रहे तो इसको दोस्तों मैं अब आज इसको हैंड फीड पर तोक लूँगा आज या दोस्तों कल में, अगर एक बार एक दिन और चेक कर लेते हैं
आज सुबह भी इसको मैंने भाई थोड़ी बहुत फीड कराई थी तो मुझसे इतना नहीं ज़्यादा चमकता नहीं है ये। अभी चेक करते हैं कि हमारी कड़कनाथ की मुर्गी ने अंडा दिया भी है कि नहीं। दोस्तों अभी बारी है चेक करने की हमारी कड़कनाथ की मुर्गी ने आज अंडा दिया है या फिर वो ऐसे ही भाई सिर्फ एक जगह एक दिन अंडा देके चुग गई हो। ओए यार दोस्तों हमारी कड़कनाथ की मुर्गी का ये तीसरा अंडा है, चेक करिए आप कितना ज़्यादा मस्त है। दोस्तों इसको मैं इस वाली थैली के अंदर कलेक्ट कर रहा हूँ। मेरे पास दोस्तों एक कुड़क मुर्गी है तो उसको लेके आएंगे भाई और उसके और कड़कनाथ के अंडे को उसके नीचे रख देंगे और देखेंगे कि हमारी कड़कनाथ की मुर्गी अगर कुड़क होती है तो इसके लिए भी थोड़े बहुत अंडे बचा के उसके नीचे रख देंगे। कहता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।